न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बहराइच में पुलिस महानिदेशक, महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन और सुधार सेवा उत्तर प्रदेश श्री एस एन साबत, जिलाधिकारी बहराइच और पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। कारागार में विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आगरा में 14 घंटे एक श्वान अपनी मालकिन से दूर रहा, उसे चोरों ने चोरी कर लिया था। चोरों द्वारा इसे दूसरी जगह बेचने की तैयारी कर ली गई थी। महज 14 घंटे में पुलिस की कोशिश से आरोपी पकड़े गए। मालकिन को सामने देख बेजुबान खुश हुआ, उसके बाद लिपट कर रोने लगा। बेजुबान की वफादारी का दृश्य फिल्मी कहानी जैसा ही था। पुलिस को भी लगा उसका गुडवर्क छोटा नहीं है। रामबाग स्थित गंगा कॉम्प्लेक्स निवासी प्रोफेसर डॉक्टर अंजना वर्मा का जर्मन शेफर्ड 29 नवंबर को चोरी हो गया था। दो चोर उसे चुरा कर ले गए थे। सीसीटीवी में वो कैद हुए। सीसीटीवी फुटेज खुद डॉक्टर अंजना वर्मा ने देखा। साक्ष्य मिलने पर पुलिस के पास पहुंची, अहमदुल्ला थाने पहुंची, तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई के तहत आखिरकार सफलता हाथ लगी। देखिए, दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है श्रीमती अंजना वर्मा, जो कि रामबाग के नजदीक उनका निवास है। उनके घर के बाहर से जर्मन शेफर्ड नस्ल का एक कुत्ता चोरी हो गया। इसकी सूचना उनके द्वारा थाना मधोला पर दी गई थी। तत्काल अभी पंजीकृत किया गया था। चौकी प्रभारी रामबाग सुशील पवार और इनकी टीम के द्वारा लगभग 50 सीसीटीवी कैमरे देखे गए और 24 घंटे में दो चोर शिवा और सत्यवीर, जो कि नरला किशनलाल के निवासी हैं, इनको गिरफ्तार किया है। झांसी के बौरानीपुर में एक विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के जय श्री राम बोलने पर बच्चों को विद्यालय से निलंबित किया गया। इसी मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की और विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बता दें कि सेंट मेरी स्कूल में कुछ छात्र अपना व्याख्यान दे रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने जय श्री राम कह दिया, जिसको लेकर विद्यालय प्रबंधन खफा हो गए। बच्चों पर कुछ दिनों का बैन लगा दिया, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है और उन्होंने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि विद्यालय के ऊपर कार्रवाई हो, नहीं तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। ये भारत देश है और भगवान राम सभी के आदर्श है। केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया, ये सरासर गलत है। देखिए, विषय यह है कि आज पूरे हिंदू समाज को छत पहुँचा है। सबसे पहली बात तो पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद भी छोटे से बच्चे ने अगर जय श्री राम बोल दिया तो उसको स्कूल से निलंबित कर दिया है। आप ये बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद तो बोला नहीं उसने। अगर हिंदुस्तान में अगर जय श्री राम ना बोले तो कौन से देश में बोले, बताइए आप। झांसी में पुलिस अधीक्षक रेलवे विपिन कुमार श्रीवास्तव 1997 बैच के पुलिस अधिकारी 15 जिलों में कार्य किया है, जिसमें ललितपुर भी शामिल है। वर्तमान में सुल्तानपुर में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत रहे। झांसी में पुलिस अधीक्षक रेलवे के पद पर कार्यभार ग्रहण किया झांसी के रूप में। और प्राथमिकताएं जो रेल के अंदर जो भी अपराध होते हैं या प्लेटफॉर्म्स पे ये होते हैं, इनको हम लोगों ने अभी भी काफ़ी कम हुआ है और उसको कोशिश करेंगे कि ना हो। उस अपराध के लिए जो भी हम लोग टास्क वर्क होगा, जीआरपी आरपीएफ मिलके और जो भी सिविल पुलिस भी मिलके, जिला पुलिस जो है उसके साथ काम करेंगे। कानपुर में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के बैनर तले काला दिवस मनाकर अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया गया। कानपुर के शास्त्री नगर शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार द्वारा विकलांगों के प्रति हो रही संवेदनहीनता दिखा रही है और विश्व विकलांग दिवस के मौके पर सरकार दिव्यांगों को 100% रोजगार, नौकरी, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन की गारंटी देना चाहेगी, जो अभी तक नहीं दे पाई है। सरकार ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, ज्यादातर दिव्यांगों की पेंशन रोक दी है, सिटी बसों में यात्रा समाप्त कर दी गई है, दिव्यांगजनों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, दिव्यांग लोगों का अंत्योदय कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, दिव्यांगजनों के लिए सरकार के पास कोई समुचित रोजगार की व्यवस्था नहीं है, केवल जुमलेबाजी चल रही है सरकार में। सरकार दिव्यांगजनों का उत्पीड़न कर रही है। थाने में दिव्यांगजनों की रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। दिव्यांग अधिनियम 2016 अभी तक लागू नहीं किया गया है। किसी भी थाने में अभी तक दिव्यांगजनों की दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत रिपोर्ट नहीं हुई है। इस सरकार की देन है और सरकार केवल लतीफे बड़े करती है। विश्व विकलांग दिवस है। सरकार को दिव्यांगजनों के लिए इस अवसर पर नौकरी, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की 100% गारंटी देनी चाहिए, जो सरकार ने नहीं दिया। सरकार ने क्या क्या है, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, ज़्यादातर दिव्यांगों की पेंशन रोक दी, सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा समाप्त कर दी, दिव्यांगजनों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, दिव्यांगजनों का अंत्योदय कार्ड नहीं बन रहा है, दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए कोई समुचित व्यवस्था सरकार के पास नहीं है।
मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने पहली बार अंतर मदरसा खेलकूद प्रतियोगिता का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में आगामी 22 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 31 मदरसों के बीच रायबरेली के अंतर स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। इसी के तहत जिले के 31 मदरसों में इंडोर खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेल में खो खो, कबड्डी, अन्य शारीरिक बल देने वाले स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना है कि इस आयोजन को लेकर मदरसा संचालकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही वाजिब समय पर आया है। उसमें एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि 22 तारीख से 30 तारीख तक अपने जनपद में खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए बच्चों को और युवाओं को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए और उनको दृढ़ मजबूत बनाने के लिए सरकार ने मदरसों में खेल कूद प्रतियोगिताएँ रखने का निर्देश दिया था। उसके क्रम में जनपद रायबरेली ने पूरे समस्त मदरसों, जिसमें हमारे 3 अनुदानित मदरसे हैं और 28 गैर अनुदानित मदरसे हैं, उनमें सब में रोस्टर जारी कर दिया गया है और शीघ्र ही 22 तारीख से 30 तारीख के बीच में हम लोग खेल प्रतियोगिताएं कराएंगे। रायबरेली में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में जा गिरी। बाल बाल बचे कार सवार लोगों की। आपको बता दें कि सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसावनखेड़ा गांव के पास का एक पूरा मामला है, जहां रायबरेली से जा रही है कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नहर में गिर गई, जिससे कार सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे सभी 5 लोगों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि सभी को मामूली चोटें आई हैं और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिया टूटी होने की वजह से आए दिन ये सड़क हादसे होते हैं और जल्द ही जिला प्रशासन के द्वारा पुलिया को ठीक नहीं कराया गया तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। ये घटना सुबह वही 6 बजे के करीब ये लोग रायबरेली आश्रम से आ रहे थे। जैसा उन्होंने बताया कि इधर से नहर की ये पुलिया टेढ़ी है तो ये रास्ता समझ नहीं पाए और उसी में जाके गिर गए। चोटिल कोई नहीं हुआ, 5 लोग इसके अंदर थे, चोटिल कोई नहीं हुआ, सब लोग सेफ हैं। हाँ, इसके पहले अभी 2-4 दिन पहले एक हांडा सिटी गाड़ी गई थी, उसमें भी 5-6 लोग थे, उसमें भी कोई चोटिल नहीं हुआ था। बाकी गाड़ियां तो क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे उत्तराखंड पौड़ी जिले के कोटद्वार के गब्बर सिंह नेगी अपने घर कोटद्वार पहुंच गए हैं। कोटद्वार पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गब्बर सिंह नेगी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक तु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार के लाल पानी में बिशनपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर उनका स्वागत सम्मान कर उनको सम्मानित किया, साथ ही उन्हें मिष्ठान खिलाया। विधानसभा अध्यक्ष ने उनके जज्बे और साहस की सराहना की, साथ ही उन्होंने गब्बर सिंह को धनपत्नी यशोदा देवी को माला पहनाकर उनके धैर्य और उनके विश्वास की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूर 17 दिनों तक संघर्ष करते रहे, पल पल निराशा और आशा के बीच जूझते रहे। उनका जो वक्त वहां गुजरा शायद वो उसे कभी भुला ना पाए। इस सबके बीच ये सभी मजदूर गब्बर सिंह नेगी की जिंदादिली के भी ताम्र के लिए कायल हो गए हैं। गब्बर सिंह नेगी 41 श्रमिकों में शामिल थे जो अंदर 17 दिनों तक फंसे रहे। उन्होंने कहा कि वो नेगी थे जिन्होंने मुश्किल की उन घड़ियों में जिंदगी जीने की उम्मीद इनके दिलों में जगाई थी। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोटद्वार के पहाड़ के गब्बर के लिए कहना पड़ा, देखो गब्बर सिंह मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी है और जो टीम स्पिरिट दिखाई है, मुझे लगता है कि शायद किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करनी पड़ेगी। ऋषिकेश टिहरी डूब क्षेत्र से विस्थापित होकर पशुलोक इलाके में बसे असीना गांव के लोगों का सर्वेक्षण प्रशासन ने शुरू कर दिया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद असीना गांव के लोगों को भूमिधरी का अधिकार मिल जाएगा। कानूनगो ने 115 परिवारों को सर्वेक्षण करने रिपोर्ट तैयार कर ली है। ऋषिकेश के पशुलोक विस्थापित क्षेत्र में कानूनगो किशन नेगी और कृति सिंह चौहान सर्वे कानूनगो पहुंचे। अधिकारियों टिहरी डूब क्षेत्र के असीना गांव के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भूमिधरी का अधिकार देने के लिए पूछताछ का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण शुरू होने से गांव को लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने के लिए मिल रही है। ये सर्वेक्षण प्रक्रिया चल रही है ग्राम असेना में, तो पर्ची वितरण का कार्य चल रहा है। जो प्रपत्र 10 से बोलते हैं उसमें नोटिस सहित होता है, 21 दिन की आपत्ति होती है, जिसका वो आपत्ति करनी होगी, आपत्ति में उसका सर्वनाम स्तर पर उसका निस्तारण होता है। ये सबसे पहले कि हमारा जो 2003 का विस्थापन है उस समय से अभी तक हमारा ये भूमिधरी का अधिकार नहीं मिल पाया, जिसके कारण हमारे वहाँ की ग्राम पंचायत का गठन नहीं है, ना हमारा कहीं नगर निगम में हिस्सा मिला है, नगर निगम का हिस्सा बनाएगा। और साथ ही हमारी जो मतलब जो ऋण मिला, जो भूमिधरी का जो ऋण मिला, जो लोन है, बैंक लोन भी नहीं दिया गया। ऋषिकेश में डेरा लक्ष्मण झूणा में स्थित होटल टूरिस्ट रेस्ट हाउस में 3 लड़के आए, उन्होंने 4 कमरों को बुक किया। उनके द्वारा बताया गया कि उनका जन्मदिन है इसलिए पार्टी करनी है। मालिक द्वारा बताया गया कि यहां पर शराब का सेवन करना मना है। सभी दस्तावेज लेने के बाद उनको कमरा दे दिया गया। देर रात 2 बजे होटल के मैनेजर ने मालिक को सूचना दी कि होटल के कमरों में झगड़ा और खूब शोरगुल मच रहा है। इस पर रेस्ट रूम के मालिक प्रमोद धाकर रेस्ट हाउस पहुंचे तो देखा वहां पर झगड़ा हो रहा था। वो तुरंत लक्ष्मण झूणा थाने पहुंचे, वहां से
पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क पर 6-7 लड़के डंडे और रॉड लेकर खड़े थे और साथ ही साथ उनका कहना था कि इन लोगों ने पापा के ऊपर जानलेवा हमला किया है और उनका सर पर रॉड से हमला कर दिया जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। हम लोग तुरंत उनको लेकर अस्पताल गए हैं। जब सुबह हम लोग उन लोगों के खिलाफ तहरीर लेकर लक्ष्मण झूला थाने गए तो मौके से गिरफ्तार 6-7 लोगों में से पुलिस ने 3 लोगों को थाने में बंद कर रखा था, बाकी को छोड़ दिया। हमारे द्वारा 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। भक्तों ने बाबा को 56 भोग लगाकर भजन संध्या का आयोजन किया था जिसमें शहर आसपास के इलाके से सैकड़ों भक्त बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। मौके पर गायक आयुष कंसल, सौरभ राज और कुमार गौरव ने बाबा के भजनों का जमकर भक्तों को रसपान कराया। भक्त भी बाबा के भजनों पर झूमते हुए नजर आए। भजन संध्या के समापन से पहले गायकों ने खाटू श्याम बाबा की कथा को भी सुना जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूदा सभी भक्तों को बाबा का प्रसाद वितरित किया गया। श्री खाटू श्याम परिवार के सदस्यों ने बताया कि समय समय पर बाबा के इस प्रकार के कार्यक्रम शहर में आयोजित किए जाते हैं और खाटू श्याम परिवार का लक्ष्य ऋषिकेश में बाबा के मंदिर का निर्माण करना है जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर के बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमले के विरोध में अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हमला करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कानपुर बार एसोसिएशन गेट पर लगातार बार पदाधिकारियों ने धरना दिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि थाना जोही इलाके में अधिवक्ता रामनवल किशोर कुशवाहा पर 12 नवंबर को जानलेवा हमला हुआ था जिसमें पीड़ित अधिवक्ता ने दोषियों पर कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन जोही थाने की लापरवाही के चलते दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई जिसके विरोध में सभी अधिवक्ता और बार पदाधिकारी गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। अधिवक्ताओं के धरने पर बैठे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर पहुंचे ACP रंजीत कुमार ने बताया कि अधिवक्ता पर हमले में जूही थाना अध्यक्ष से बात हुई है जिसको संज्ञान में लेते हुए जल्द कार्रवाई कर दोषियों की धरपकड़ की जाएगी। ये एक अधिवक्ता जी हैं रामनवल किशोर कुशवाहा जी, उनके ऊपर हमला हुआ था जिसके संबंध में थाना जूही पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसी में आवश्यक कार्रवाई किए जाने को लेकर अधिवक्ता बंधुओं का यहाँ धरना था कि वहाँ जो उचित कार्रवाई है वो नहीं की जा रही है। देखिए, हमारे बीच एक अधिवक्ता है रामनवल कुशवाहा जी, उन पर जानलेवा हमला हुआ था, जूही थाने से FIR लिखी गई लेकिन अभी उस कार्रवाई से, पुलिसिया कार्रवाई से हमारे अधिवक्ता महोदय संतुष्ट नहीं थे। उसी संदर्भ में आज उन्होंने एक छोटा सा धरना आयोजित किया था। कासगंज में शिक्षक की दबंगई देखने के लिए मिली है। शिक्षक ने छात्र को विद्यालय में डंडों से जमकर पीटा। छात्र को विद्यालय में पढ़ाई के दौरान अपने दोस्त से बातचीत करना महंगा पड़ गया। दोस्त से बातचीत करने पर गुस्साए शिक्षक ने कक्षा 11वीं के छात्र उत्कर्ष मिश्रा की डंडे से पिटाई कर दी। शिक्षक की पिटाई से छात्र के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। छात्र के पहले भी पिटाई हो चुकी है। पीड़ित छात्र ने पिता से आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली गंज दरबारा क्षेत्र के नाथुराम सुशीला देवी सरस्वती विद्यालय मंदिर का ही पूरा मामला है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के प्रयास से रायबरेली जिले को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत रायबरेली को बड़ी सौगात हाथ लगी। आपको बता दें कि करोड़ों की लागत से नगर पालिका परिषद में पहुंचे 2 गाड़ियां, दोनों गाड़ियों पर लगी मशीन जहां सड़क पर फैली गंदगी को साफ करेगी तो वहीं दूसरी मशीनें पेड़ों पर जमीन धूल को साफ करके हवा की गुणवत्ता को सुधारेगी। मशीन सड़क पर गंदगी और धूल मिट्टी साफ करने को लेकर करोड़ों की मशीन से शहर का वातावरण शुद्ध होगा। DM हर्षिता माथुर के प्रयास से सड़कों पर मशीनें रोजाना दुर्घटनाओं को लेकर रायबरेली में भी लगे ट्रैफिक सिग्नल जल्द चालू होने पर आम जनमानस को जाम से बड़ी राहत भी मिलेगी। जनपद में NCAP जो योजना है यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो प्रस्ताव बनाए हैं उनमें ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। तो उसके माध्यम से एक ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की गई है जिसमें पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। हमारे जो प्रमुख चौराहे हैं जैसे कि नगर पालिका परिषद के जो हमारे चौराहे हैं, पुलिस लाइन चौराहा है, डिग्री कॉलेज चौराहा है, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की गई है। देश के गृह और सहकारिता मंत्री और सोमनाथ ट्रस्ट के मान ट्रस्टी अमित शाह शह परिवार भारत का सुप्रसिद्ध गुजरात सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन किए। सोमनाथ महादेव पर जलाभिषेक किया और सोमेश्वर महापूजा, ध्वजा पूजा, बाघ पूजा में सम्मिलित हुए। गुजरात के पोरबंदर में गुजरात राज्य के जल संसाधन, जलापूर्ति, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री कुंवरजी वाणिज्या की अध्यक्षता में कुठियाना तालुका के रामनगर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक नागरिक को जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचाने का सेतु बनेगी। प्रभारी मंत्री कुंवरजी भाई बवालिया कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 नवम्बर को जातीय गौरव दिवस से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी जिसके अनुसरण में पोरबंदर जिले के कुठियाना तालुक के रामनगर गांव में राज्य जल संसाधन और जल आपूर्ति खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री कुंवरजी वाणिज्य की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई। गुजरात के अहमदाबाद में बोडक देव इलाके में
प्राइड प्लाजा होटल में भारत देश की टॉप लाइन स्कूल के 2 दिवसीय प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। प्रीमियर स्कूल एग्जीबिशन और स्कूल एडमिशन के लिए एग्जीबिशन है और इस आधुनिक युग में जल्द बदलती हुई दुनिया में किसी वर्ग के पेरेंट्स को उनके बच्चों के करियर के पड़कारों को और उनके परिवार वालों को जवाबदारी का सामना करने होते हैं और इसमें सबसे बड़ी जवाबदारी जो है उनके बच्चों के खर्च की परवाह किए बगैर योग्यतम स्कूल की पसंदगी करनी होती है। इस माध्यम को ध्यान में रखते हैं इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस एग्जीबिशन में भारत के सुपर टॉप स्कूल श्रेस्प्री इंटरनेशनल स्कूल इंडिया, यूनिसन वर्ल्ड स्कूल देहरादून, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी, आगा खान अकेडमी हैदराबाद, मान्य स्टार ग्लोबल स्कूल हैदराबाद, मोदी स्कूल सीकर राजस्थान, सागर स्कूल अलवर राजस्थान, उद्गम स्कूल अहमदाबाद, शांति एशियाटिक स्कूल अहमदाबाद, एशिया इंग्लिश स्कूल अहमदाबाद सभी ने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। खबर यूपी के हापुड़ से, जहां NH9 पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि दो कारों की भिड़ंत में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हापुड़ थाना देहात के तरारपुर बाईपास के पास में 2 कारों की भिड़ंत हुई जिसमें से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। सर, ये जो वरना गाड़ी थी वो गढ़ साइड से आ रही थी, वो इसने मीडियन ओवर स्पीड में मीडियन क्रॉस कर गया और ट्रिमर जो गाड़ी थी वो इधर से आ रही थी, दोनों में उधर से कूद के वो मीडियम तो इधर आ गई, वो उसमें आपस में टकरा गए, मतलब ओवर स्पीड पे थी इधर वाली गाड़ी जो दिल्ली साइड से गाड़ी आ रही। देवरिया के रुद्रपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा बर्दगोनिया निवासी खेल प्रशिक्षक को खिलाड़ियों ने तहसील दिवस पर ग्राम सभा बर्दगोनिया में खेल मैदान के निर्माण के लिए मांग पत्र जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी रुद्रपुर को दिया। मांगपत में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अनेक अवसरों पर हरेक गांव में मिनी स्टेडियम बनवाने की बात कही गई है और इसका उल्लेख है कि शासन के मंशा के अनुसार गांव में खेल का मैदान खतौनी में दर्ज है जहां बच्चे खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ ही जिला स्तरीय और विकास खंड स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता है। मांगपत में मंडल और प्रांतीय स्तर पर यहाँ के प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने खेलों में अपने अच्छे प्रदर्शन से गाँव और जिला का नाम रोशन किया है। हम लोग यहाँ पर स्टेडियम का समस्या लेकर आए हैं। हम लोग एक मांग है जो स्टेडियम बनाने का मांग, हम यहाँ पर SDM से मिले हैं और उनसे बताया भी है कि हम लोग की जो मांग है उसे पूरी की जाए और उन्होंने कहा भी है कि हमारा मांग है स्टेडियम बनाने का। जो बर्दगुनिया गांव में हम लोग का एक स्टेडियम जो 3 एकड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोग ग्राम प्रधान से भी मिले वहाँ पर और ब्लॉक प्रमुख से भी मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारा स्टेडियम बन जाएगा लेकिन वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग माननीय DM जी से मिलने आए हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम से संबंधित अपनी 7 सूत्रीय समस्याओं को लेकर नगर पहुंचकर महापौर और नगरायुक्त के नाम एक ज्ञापन दिया है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा ज्ञापन से मांग की गई है कि उनकी 7 सूत्रीय समस्याओं पर ध्यान देकर समस्याओं से निजात मिलनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष अनित गग्गर, हर्ष डावर, केतन विरमानी, अश्विनी अरोड़ा, विनीत विरमानी, नरेंद्र सिंह, अमित जैन तमाम लोग मौजूद रहे। आज हम महापौर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। शहर के अंदर धीमी गति से चल रहे काम के ऊपर, जगह जगह बजरी का बिखराव जिसके कारण लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, इसी के व्यापार प्रभावित हो रहा है पूरा शहर का। और इनकी दिनचर्या जो है वो ऐसी हो गई है जहाँ भी कहीं खुदाई करते हैं उस काम को खोद के तो डाल देते हैं, उसको पूरा नहीं करते। प्रयागराज में सुराव थाना क्षेत्र के बड़ौरिया गांव के सामने हांडिया कोखराज हाईवे पर पल्सर सवार बदमाशों ने पिस्तौल सटा कर कार सवार पशु कारोबार से 25 लाख रुपए लूट लिए। घटना को अंजाम देने के बाद पल्सर सवार बदमाश पिस्तौल हवा में लहराते हुए भाग निकले। घटना शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे की हाईवे पर हुई। इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 को सुबह थाना सुराव से एक टप्पेबाजी की घटना की सूचना प्राप्त हुई। इसमें वादी इश्तियाक अहमद जो अपने 2 परिवारजन के साथ एक 4 पहिया वाहन में थाना उतराव से थाना मवाईमा जा रहे थे। थाना सुराव में ग्राम रूसनपुर क्षेत्र पहुंचने के बाद एक ढाबे के पास में 3 मोटरसाइकिल सवार जो पहले से वहां खड़े हुए थे उनके द्वारा हाथ देकर गाड़ी को रोका गया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।